अगली जो हम समझाए उसके बाद ये वीडियो है पार्ट 11 की वीडियो। हर एक पार्ट बाय पार्ट इस छुट्टी में आप लोगों को होमवर्क से जुड़ी बातें बोर्ड पर लिखते जाएंगे, संक्षेप में समझाते जाएंगे। उस वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे, देखने के बाद में बनाते रहेंगे और बना करके होमवर्क सेंड करते रहेंगे। समस्या आने पर पूछते रहेंगे, हम जरूर आशा करेंगे ये काम जरूर करेंगे। और अपने जो स्टूडेंट जो फ्रेंड्स आप लोगों के हैं तो उनको भी इस बात की जरूर जानकारी देंगे कि सर लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको यदि ना जानकारी हो तो तमाम तरह की बात है, सर से बात कीजिए। ये कम से कम सहायता जरूर कराइएगा, घर पर रहिएगा, माता पिता को खुश रखिएगा, ये याद रहे। तो हमारे वीडियो की बात करते हैं, यहाँ ये वीडियो क्लास 3 से 6 के लोग बनाएंगे। यदि किसी को वीडियो में परेशानी होगी, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, बिना शर्माए इस नंबर पर जरूर बात करेंगे। ये नहीं कहेंगे सर पढ़ाए नहीं है कैसे दे दिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को लेकर हम शॉर्ट में समझा रहे हैं। यदि फिर भी ना समझ में आए तो हम पूछने को कह तो रहे हैं ना, पूछ ही बताया जाएगा एक बार दो बार। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 1, 3 - 0.1689 = 1, माने 3 में से इसे घटाना है। तो आइए इसे ऐसे लिखते हैं, पहले नीचे का लिख लेंगे 0.1689 और घटा 3 में से घटाना है। तो याद रहे दशमलव की जोड़ घटा में अंक भले कहीं रहे, दशमलव को सामने सामने करना जरूरी है। तो सुन के ऊपर हम यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ दशमलव के बगल में पॉइंट कर देंगे। सवाल जब घटाने का है तो आखिर इसके ऊपर जब 0 लिखेंगे तभी यहाँ से मानकर के सब में घटेगा। यहाँ 0 कर दिए, यहाँ 0 कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, आप कहेंगे सर 0 कहाँ से लिखे, क्यों लिखे? तो कहें कि यहाँ से घटाने के लिए जरूरी है कि 0 लिखे तब तो घटेगा, इसलिए हम 0 लिखे। अब यहाँ हासिल मांगेगा यहाँ 10, यहाँ करते करते 10 यहाँ पहुंचेगा, यहाँ 9 9 9 हो जाएगा, आराम से आप लोग घटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। और यह 624 × 2000, तो ऐसे में क्या करेंगे? कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसको लिखते हैं 624, 2000 नीचे लिख लेते हैं और कई बार गुणा करते करते इतना बड़ा कर लेते हैं। जैसे हम पुस्तक देखते हो सवाल समझाते हैं, 5 2 1 × मान लीजिए ऐसे हो गया, तो क्या करेंगे हम 2 का खाली करेंगे, 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 × 2 2 × 4 + 2 = 10। कितने 0 है लास्ट में? 3 0, तब 3 0 बढ़ा दीजिए, हो तो गया आंसर। अब इतना नीचे लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि 2 का आप लोग पढ़ा जानते हैं, तो 2 का पढ़ा बारी बारी यहाँ करके लिख दीजिए, इसके पीछे 3 को सुनना है, 3 सुनना बढ़ा दीजिए। अगली बात करते हैं वीडियो में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 180 के आभार गुणन खंड लिखे, भार गुणन खंड कई बार समझाए हुए हैं, लसक के टाइप से तरह से क्वेश्चन अपना निकालते जाइए। पहले 2 से 3 2 से कटाएंगे तो कितना बार हुआ, इतना बार 3 देखेंगे, 2 से कटने वाला है फिर 2 से कटाएंगे, नहीं कटने वाला 3 से 3 से चेक करेंगे, 3 से कटता है तब भी कटाएंगे, नहीं कटता है तो 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, ऐसे कर कटाएंगे। और जो जो आएगा यहाँ अंक आता रहेगा वह होगा अभाज्य गुणनखंड। नौ के प्रथम 5 गुणज लिखें, सॉरी यहाँ पर एक हमें एक क्वेश्चन समझाते तो हो गया। चलिए आइए, 4 घंटे में कितने सेकेंड होंगे? 4 घंटे में कितने सेकेंड जानते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, तो 4 घंटे में जब 3600 जब जान गए 1 घंटे में, 4 घंटे में जाना है तो 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 घंटे में पूछता है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर निकल जाएगा। 3 वर्ष में कितने सप्ताह ये जानते हैं,
एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, उसके हिसाब से आगे आप लोग हल कर लेंगे। 15 क्विंटल में कितने केजी माने किलोग्राम होता है? यह सही जानते हैं, एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम, उसके आधार पर क्वेश्चन हल कर लेंगे। 180 के भाग वर्गखंड अभी हमने आपको बताया, 9 के प्रथम 5 गुणज लिखें, 9 के प्रथम 5 गुणज, 9 का पहला 5 पर पढ़ देंगे उसको हम 9 का प्रथम 5 गुणज कहेंगे, 9 का प्रथम 8 गुणज कहे तो 9 का पहला 8 पर पढ़ दीजिए और उसको लिख दीजिए। 175 तथा 390 का एचसीएफ यानी मॉस निकालें, मॉस निकालना जानते हैं आप लोग हैं, पर 300 यहाँ 90 लिखेंगे, यहाँ 175 लिखेंगे, यहाँ इसमें भागा देंगे, शेष यदि बच गया यहाँ पर मान लीजिए 35 बच गया, फिर 175 कान पकड़ कर यहाँ लाएंगे, फिर इसका भागा देंगे, यहाँ से मान लीजिए बच गया 10 बच गया तो फिर 35 कान पकड़ के यहाँ लाएंगे, यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी जब तक कट नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या लिखें। तो पहले हम 18 का अपवर्तक लिखेंगे, मैं 18 किसे करेगा, 1, 3, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। उसी तरह से 24 के अपवर्तक, 24 के अपवर्तक लिख लेंगे, जो जो मिलेगा उसे कहेंगे उभयनिष्ठ। एक गो मिले चाहे दो गो मिले चाहे तीन गो मिले, वही बताना आपको है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 221 और 269 में भाग दिया जाए तो क्रमशः 5 और 7 शेष बचे। तो क्रमशः कह रहा है, यानी संख्या है 221 और 269 में भाग देना है, शेष क्रमशः 5 और 7, तो 5 को पहला में घटा लेंगे और 7 को दूसरा में घटा लेंगे, घटा करके जो नीचे बचेगा उसका जो है मस निकाल देंगे, वही आंसर आ जाएगा। लस निकालना आप जानते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। 8 लीटर पेट्रोल का दाम 720 रुपया है तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम बताएं। तो जब 8 लीटर का दाम जब जानते हैं 720, तो 8 का जब भागा दे देंगे बटाने कर करके तो 1 लीटर का दाम समझ में आ जाएगा। 5 दर्जन नींबू का दाम 180 रुपया है तो 25 नींबू का दाम बताएं। तो 5 दर्जन, हमने 12 5 7 नींबू नहीं लिखा, तो 5 दर्जन लिखे हैं भुलवाने के लिए, तो आप 5 दर्जन पर नहीं, आप 12 5 7 नींबू समझेंगे, 7 नींबू का दाम कितना है तो 25 नींबू का दाम बताएं। तो 7 नींबू का जब दाम जान गए तो 1 नींबू का दाम जानने के लिए बटे में 7 करके भागा देंगे, 1 नींबू का दाम निकल जाएगा, और 2 नींबू का पूछेगा तो 2 में गुणा, 25 नींबू का पूछेगा तो 25 में गुणा। 5 अधिवर्ष में कुल कितने दिन होंगे? अधिवर्ष लीप ईयर को कहते हैं, दो नाम है, लीप ईयर या अधिवर्ष। तो अधिवर्ष में 366 दिन होता है, अब 5 को अधिवर्ष में कहता है तो 366 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 - 2 सही 1/2 बराबर क्या? ये बटा का घटाव है, आप 8/1 कर लीजिएगा, उसके बाद इसको भी विषम भिन्न में कर करके लसा निकाल लीजिएगा, आज जो घटाव की प्रक्रिया है हल कर देंगे। इतना भागे या इतना प्लस क्या बराबर 6 सही 1/4, मतलब 3 सही 1/2 में हम कितना जोड़ें कि 6 सही 1/4 आ जाए, या क्या है दोनों का जोड़ है, तो इसको जब इसमें घटा देंगे तो जो बचेगा यहाँ का आ जाएगा। 85/100 का लघुतम रूप लिखें, लघुतम मान छोटा सरलतम संक्षिप्त, तो एक ऐसा अंक लेंगे जो दोनों से काट दे दम कट जाए, अब दोबारा कटने की कोई गुंजाइश न रहे, वह लघुतम रूप या संक्षिप्त या सरलतम रूप कहा जाता है।
क्वेश्चन समझा दिए, क्वेश्चन को देखेंगे बढ़िया से, एक बार दो बार हल करेंगे, नहीं समझ में आने पर जरूर संपर्क बनाए रखेंगे। अगली वीडियो हम लोग हमेशा ही डालते रहेंगे, तमाम जो मुख्य सब्जेक्ट है आप जरूर काम बनाते रहेंगे, पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।